सीरियल जीजा जी छत पर है में इलायची और पंचम को महंगा पड़ गया झूठ। बेचारे पंचम जीजा जी के पैर ही गए टूट। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि मुरारी सेठ के घर में दोबारा पनाह पाने के लिए पंचम ने इलायची के साथ मिलकर ना जाने कितने ही पापड़ बेले हैं। कभी बेचारे पंचम को एक औरत का रूप अपनाना पड़ा, तो कभी संजना परफिदा छटंकी मामा से शादी करने का नाटक करना पड़ा। ऐसे में कई जतन किए इलायची और पंचम ने, और अब आखिरकार छटंकी मामा से भी छुटकारा पाने के लिए दोनों ने निकाली है एक नई तरकीब, संजना की शादी पंचम से करवाने की। लेकिन संजना की असलियत से बेखबर छटंकी मामा को ये बात बिल्कुल रास नहीं आई कि संजना की होने जा रही है किसी और से शादी। बस फिर क्या, छटंकी मामा ने ना आओ देखा ना ताओ घर पहुंचकर उन्होंने पंचम की कर दी खूब पिटाई, जिस वजह से बेचारे पंचम जीजा जी के पैरों में चढ़ गया है प्लास्टर। जी दरअसल क्या है कि पंचम की शादी संजना से होने वाली है, और आपको पता है कि पंचम और संजना दोनों एक ही किरदार है जो कि मैं प्ले करता हूँ, क्योंकि छटंकी संजना से बहुत प्यार करता है और उसे पता चला है कि पंचम और संजना की शादी हो रही है तो वो पंचम की आगे टांगे तोड़ जाता है। लेकिन उसे पता नहीं है कि उसने संजना की भी तोड़ दी है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि संजना पंचम है और पंचम जो है संजना है, तो यही कंफ्यूजन चल रहा है। अब बेचारे जीजा जी छटंकी से छूटे और पिंटू पर आट के जिंदगी में तकलीफें कम थी क्या कि रात का चैन भी पिंटू ने छीन लिया। नींद में धुत पिंटू ने पंचम के पैरों पर ही कर दी मुक्कों की बरसात। बेचारे पंचम अब करे भी तो क्या करे, पिंटू की इस हरकत ने तो उनकी तकलीफें और बढ़ा दी। पिंटू तो एक इर्रिस्पॉन्सिबल लड़का है, तो वो अपनी नींद के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो बेवकूफ़ मुझे सोनपाल समझ के मेरे प्लास्टर्ड टांग पे अपनी वायलेंट स्ट्रीक में आ गया था। तो हाँ, दैट वाज जस्ट वन ऑफ द केसेस दैट पिंटू जो है करता रहता है। जैसे तैसे जीजा जी ने पिंटू को रोका और साथ ही कर दी मुक्कों से उनकी धुनाई। वेल, जीजा जी की जिंदगी में तो मुसीबतों ने दे दी है एक बार फिर से दस्तक। अब देखते हैं कि हाउ विल इलायची एंड पंचम कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट E24।